वैशाली के राजा पाकर बिलनपुर में कोल्ड स्टोरेज पर किसानों ने अपना आलू सड़जाने पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही कोल्ड स्टोर पर अपना आलू सड़ाने का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। किसानों ने कहा कि हम अनाज साग उगाते हैं और हमें उसे कोल्ड स्टोर में रख देते हैं, जरूरत पड़ने पर बाजार में मांग बढ़ने पर कोल्ड स्टोर से निकाल कर उसे सही दाम में बेचते हैं, ताकि हमारा भी फायदा है। लंबे समय तक कोल्ड स्टोर में इसलिए रखे हैं ताकि सीजन खत्म भी हो जाए तो अन्य साग सब्जी सुरक्षित रहे। इसके लिए किसान कोल्ड स्टोरेज को उसका किराया भी देते हैं, मगर कोल्ड स्टोर में भी हमारा आलू सड़ गया। पूछे जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का आलू कोल्ड स्टोर में है, आलू को सड़ा दिया, दो ही आलू को बेच दिया, कहा जो लाइन कटा हुआ है, दूरे दूरे घूम के दोबारा पैसा लिया, पर्ची छपा के जो पैसा मेकअप कर दिया जाएगा निकालने के समय, ब्याज देंगे। जब हम लोग आलू के लिए आए बैसाख से दौड़ रहे हैं तो कोल्ड स्टोर नहीं खोला लपाता है, जब यहाँ समय आ गया है तो सारा लोग लपाता है, किसान दौड़ दौड़ के आ रहा है, कोई नहीं है। और भारी आदमी भी है, हम लोग भर के आलू के चलते मर भी गया, दबंग आदमी भी है। हम लोग जा रहे हैं कोल्ड स्टोर में, आप लोग भी देखिए वहाँ कैसा आलू बेच दिया, खाली है इतना ही नहीं, किसानों ने राजा पाकर प्रखंड कार्यालय पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों से प्रदर्शन का कारण जानना चाहा तो किसानों को अविलंब जाकर न्याय दिलाने की बात कही। किसानों का गुस्सा शांत करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों के सामने ही वरिष्ठ पदाधिकारियों से फोन पर बात कर मार्गदर्शन लिया तथा एक दो दिन में न्याय दिलाने की बात कही। मैं कोल्ड स्टोरेज में वहाँ की जो पैक्स अध्यक्ष है रेखा देवी, उनके बारे में जानकारी मिली है कि काफ़ी अनियमितता बरती गई है और जो भी यहाँ वहाँ के लोग आए हैं समस्या लेकर आलू को सड़ा पाया गया है वहाँ पर किसानों का आलू, तो ऐसे में पीसीओ को दिया गया है आवेदन निष्पक्ष जाँच के लिए, दो दिनों के अंदर में पीसीओ साहब देंगे और निष्पक्ष रूप से कठिन जो भी हो सकता है उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को अनुशंसा। सर आप अपने तरीका से कब करवाई? निश्चित रूप से दो दिनों के अंदर में पीसीओ साहब जाँच करेंगे, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तो मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाकर जाँच करूंगा और किसी भी परिस्थिति में जो दोषी लोग हैं वो बचेंगे नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को अनुशंसित करेंगे। तो बिलनपुर कोल्ड स्टोर जो है तो रेखा देवी के नाम से है और रेखा देवी ये बहुत तमाम किसानों का आलू को सड़ा दिया और किसी तरह से पैसा ठगने का भी काम किया, वो पैसा ठग कर कि हम बिजली लगवाएंगे आलू को ठीक करेंगे और ऐसा कुछ नहीं कर सकी और ये आलू सड़ गया। उस सारे किसानों का पैसा रेखा देवी को हर हालत में देने का है और अगर वो नहीं दे पाती है तो ये समस्या यहाँ चीफ मिनिस्टर तक ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने का भी लोग ये रखता है। हाँ किसान लोग रेखा देवी से मिलने का काम किया है लेकिन वो उसको बरगला करके ये करेंगे वे करेंगे और ताला बंद रखती है, कभी वो ताला खुला रहता है कभी ताला बंद रहता है, लोग जाते हैं तो ताला बंद रहता है, इस तरह की बात है। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। We'll be right back.